हमारे साथ है एसडीएमसी के ऑब्जर्वर आलोक वर्मा जी। आलोक जी, एकदम से आप पार्टी से निकल करके आ गए। लोगों का कहना है कि अब से पहले आपको जानते नहीं थे लोग यहाँ पर। हालांकि वैसे अगर बात करी जाए पार्टी के अंदर तो काफ़ी संख्या में लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन पब्लिक का अगर रिव्यू देखा जाए तो पब्लिक ने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से एकदम से पॉलिटिकली लोगों के बीच में आ जाएंगे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, पब्लिक ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ और एक आम आदमी की तरह जीवन जी रहा हूँ। पॉलिटिकली लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग जानते हैं जो कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। जी जी, मैं क्षेत्र में छोटे मोटे जो है समाज सेवा करता रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, पर ऐसा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं। अब मुझे लगा कि MCD में भी हमें अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही एक सरकार बनानी है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने, जिससे कि हम जैसे दिल्ली सरकार चल रही है वैसे ही MCD चले, क्योंकि BJP ने MCD को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। तो जितने भी हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिए में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएँ और पब्लिक के बीच में ये बात पहुँचाएँ कि कैसे कार्य होता है। तो उसी कार्यशैली को मैंने भी अपनाया हुआ है। सर, अभी आज आप ब्रह्मपुरी में भी गए थे, आज वहाँ की आपने समस्या जो है सुनी है लोगों की, पूरा वार्ड में आप सर्वे कर रहे हैं, आप जाकर देख रहे हैं, तो सर ये पॉलिटिकल स्टंट कहा जाएगा इसे? इसे पॉलिटिकल स्टंट कैसे कह सकते? पॉलिटिकल स्टंट तो जब होता है जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते, मेरी कोई सीट डिक्लेयर हो जाती है, किसी और कैंडिडेट को कोई जो है सीट मिल जाती। अभी ना तो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में अभी 6 महीने पड़े हैं। अभी एक्चुअली बेसिक बात क्या है कि अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और हमारे निगम पार्षद जी तो लेंटर के पैसे लेने में और बाकी सब कामों में जैसा मैंने सुना है बिजी रहते हैं। और आज जब हम ब्रह्मपुरी गए थे तो वहाँ लोगों ने जो बताया भी कि निगम पार्षद वहाँ चक्कर नहीं काटते हैं, और क्योंकि वो यहाँ पे विधायक हमारे हैं, वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। और अभी पिछले हफ्ते भी मैं उनके साथ ही वहाँ पे गया था, सीवर की समस्या हमने सारी की सारी देखी थी। आज वही जाके मैंने जो देखा कि कैसे सीवर की हम सफाई करा सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें स्ट्रीट लाइट की कमी है, कहाँ कहाँ पानी जो है भरा हुआ जिससे कि जो डेंगू ना फैले उसके लिए हम वहाँ पे सारी दवाइयाँ वगैरह डलवाएं। तो ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया मैंने। सर, यहाँ पर BJP के जो है काउंसलर है, मतलब मैं ऑल ओवर दिल्ली की अगर बात करूँ, BJP के लिए आप लोगों का आरोप है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया है कि करप्शन जी भर के इन्होंने कर लिया, आपके लोग भी BJP में है सर, क्या वो उन्होंने करप्शन नहीं करा सर? देखिए, एक आप बात समझिए है, पिछली बार जब काउंसलर के इलेक्शन हुए थे तो मनोज तिवारी जी ने सारे पार्षदों के टिकट काटे थे और BJP ने खुद माना था कि हमारे पार्षद करप्ट हैं इसलिए हम उनकी टिकट काट रहे हैं, नए लोगों को दे रहे हैं। लेकिन नए लोग तो उनके भी पिताजी निकले और BJP ने अभी 3 पार्षदों को निकाला है और उसके बाद उन पर भी करप्शन के चार्ज है। BJP के एक पार्षद 10 लाख रुपए लेते हुए, कैश लेते हुए पकड़े गए थे, ये भी आपको पता है। तो करप्शन के चार्जेस तो आपको पता ही है किस पे लग रहे हैं, कौन करप्शन कर रहा है। BJP वाले एक स्कूटर पे आते हैं और आजकल ऑडी, BMW और मर्सिडीज गाड़ियों पे चल रहे हैं, कैसे आ रही है उनके पास? सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप, अब यही बात होती है, आप SDMC के ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन अब वो चीज़ें अब इलेक्शन जैसे करीब आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, अब क्यों निकल करके आ रही है सब, पहले क्यों नहीं आपने ऑब्जर्व किया? नहीं, शुरुआत से चल रहा है, हम तो पिछले 2 साल से ये सारी बातें जो है उजागर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से जब से दुर्गेश पाठक जी MCD के प्रभारी बने तब से उन्होंने हर हफ्ते दो तीन BJP के घपलों को एक्सपोज किया और शायद इसीलिए BJP वाले डर गए और इसीलिए BJP वाले बैकफुट पे चले गए। और डेली के डेली अगर आप देख रहे होगे, अगर आप पिछले 2 साल की आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकालेंगे तो MCD के ऊपर कम से कम 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होंगी जिसमें कोई ना कोई घोटाला उजागर हुआ होगा। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा, 150 करोड़ की चीज़ आप 30 करोड़ में बेच देते हो, बताइए ऐसी कौन सी मजबूरी है? कहाँ गए आपके पैसे? दिल्ली सरकार इतना पैसा देती है, आप 4-4, 6-6 महीने जो है सफाई वालियों को पैसे नहीं देते हैं, जितने सफाई कर्मचारी हैं, 4th क्लास कर्मचारी हैं, उनको आप पैसे नहीं देते हो, उनको सैलरी नहीं देते हो, तो वो पैसा कहाँ जाता है आखिर? MCD के पास इतना पैसा आता है, साउथ MCD के पास तो दिल्ली की 3 MCD में सबसे अमीर MCD साउथ MCD है, जिसके पास इतना ज़्यादा हाउस टैक्स आता है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ पार्षदों की जेब में। सर, सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा इशू रहा है सर, इस पूरे कोरोना काल की अगर बात करें, लॉकडाउन की बात करें, काफ़ी जो है परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो इस दौरान जो है वो रहे भी नहीं, उनकी डेथ हो गई है,
उनके परिवारों की अगर बात करी जाए तो उनके परिवारों की देख रेख करने वाला इस समय कोई नहीं है। आपकी जो सरकार है वो इस पर क्या कार्य कर रही है? देखिए, उनको हमने जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे उनको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया। चाहे वो उसमें ये नहीं कि MCD के हैं, कहीं है दिल्ली सरकार के हों, दिल्ली में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, और उनके लिए परिवार के लिए पहले तो बात यह है कि अगर कोई नहीं रहा है तो एक आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार उन्हें दे रही है। उसके बाद जितनी भी मदद की आवश्यकता होती है, उनको राशन फ्री मिल रहा है, उनका बच्चों का जो है एडमिशन, बच्चों की एजुकेशन सारी फ्री है। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो भी मदद, हर संभव मदद हो रही है वो उनकी कर रही है। और अगर आपकी सरकार पावर में आती है MCD के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो ये जो कच्चे जो लोग लगे हुए अभी सफाई कर्मचारी, अभी पक्के भी नहीं हुए, काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे सर? देखिए, जैसे ही आएगी उसके बाद में सारा का सारा इस पूरे मामले पे पूरा विचार किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और उस पर पूरा एक प्रोजेक्ट बना के हम CM साहब को भेजेंगे कि कितने लोगों को हमें पक्का करना है, उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, कैसे होगा। देखिए, कोई चीज़ हवा में नहीं होती। अगर आपको किसी को पक्का भी करना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा बजट चाहिए होता है। हम BJP की तरह काम नहीं करते, लेकिन इतनी बात पक्की है कि जितने भी कच्चे लोग हैं उनको पक्का ज़रूर किया जाए।